बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको जहाँ भी रखे हमेशा खुश आबाद और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का कर लेते हैं आगाज़। तो वीडियो के आगाज़ में मैं बच्चों के लिए जो है वो नाश्ता बना रही थी। आजकल नकाशा जो है वो पराठा दिखा रही है, आजकल उसको ना ब्रेड का शौक चढ़ा हुआ है, तो उसके लिए जो है ना वो मीठे टोस्ट या फ्रेंच टोस्ट जो भी कह लें वो बना रही थी। और साथ अब जो है वो अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ। सबसे पहले बच्चों को करवा लूँ, फिर अपने लिए करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है वो किचन वगैरह मैंने साफ़ कर लिया था। अब ये जो है ना डाइनिंग टेबल, इसको साफ़ करती हूँ, सारे घर की डस्टिंग करती हूँ। उसके बाद ये है कि फिर नीचे से सारे चीज़ें खिलौने इधर उधर फेंके होते, सारे घर की जो है वो साफ़ सफाइयाँ कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है ना वो पूरे घर की जो है वो डस्टिंग कर लेते हैं। आज जुमा मुबारक है, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुमा मुबारक। और यहाँ पर ये देखें नाबिया भी नहा ली है और नकाशा को भी नहला दिया। तो बस काम शाम करके ना सारे ख़त्म करके फिर हम भी नहा के जुमे की नमाज़ पढ़ेंगे और उसके अलावा बाकी काम काज जो है वो कर लेंगे। वो सामने नकाशा बैठी है, खेल रही है अपने खिलौनों के साथ, उसको भी नहला दिया, नाबिया को भी नहला दिया है। तो अब जल्दी जल्दी जो है वो मैं डस्टिंग करती हूँ। डस्टिंग करने के बाद फिर ये है कि बाकी जो है ना वो काम कर लेंगे घर के। अच्छा जी, अब जो है वो मैं घर की साफ़ सफाइयाँ कर रही थी, डस्टिंग वगैरह कर रही थी। उसके बाद बाकी जो घर की सफाइयाँ हैं वो करेंगे। और उसके बाद ये है कि आज फिर जो है वो मैं बच्चों को बाहर नहीं लेके गई, मौसम इसी तरह का बना हो। तो मैंने कहा ऐसे ना बारिश आ जाए, कुछ अपना भी मूड नहीं हो रहा था बाहर जाने का। तो बस फिर आज फिर जो है वो बच्चों की बाहर जाने से छुट्टी हो गई थी। अच्छा जी, तो बाहर का मौसम आपको दिखाऊँ। और ये जो है ना ये सारा नाबिया ने आज गीला कर दिया, इसके अंदर पानी गिरा दिया था। तो बाहर का मौसम इस तरह का बना हो, काली घटाएं जो बादल है ना वो आ रहे हैं इतने ज़्यादा। शुक्र है सुबह से बारिश नहीं हुई, लेकिन मौसम जो है वो कुछ इसी तरह का बना हुआ है। अच्छा जी, अब जो है वो मैं आ गई थी किचन में और बनाने लगी थी खाना। आज था जुमा और जुमे वाले दिन ये होता है, कोशिश होती है कि चावल बनाए जाएं। बड़ा दिल करता है जुमे वाले दिन यह कि चावल बनाए जाएं। तो बस फिर मैंने आज जो है ना वो चिकन और साथ में मिक्स वेजिटेबल वाले चावल, आज फिर मैंने कहा यही बनाती हूँ। बहुत मज़े के मुझे लगते हैं। खैर गर्मियों में वो टेस्ट नहीं आता, लेकिन सर्दियों में तो ऐसा टेस्ट आता है ना इन चावलों का, पता नहीं। हर मौसम की चीज़ जो है ना वो अपने मौसम में ही अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर जो है वो मैं फिर चावल बनाने के लिए लग गई थी और इसमें मैंने चिकन डाला था। चिकन डाल के साथ में मिक्स वेजिटेबल्स वगैरह सारे डाल के मज़ेदार से चावल बनाए थे। बच्चे जो है ना वो नकाशा इतने खुश होकर जो है ना वो चावल नहीं खाती। उसने यह कि बोटी वगैरह खा लेती है, मटर वगैरह खा लेती है, इस तरह की चीज़ें, थोड़े बहुत चावल वो खाती है। अनाबिया माशाल्लाह से खुश होकर खा लेती है। तो बस यहाँ पे मैं अपने मज़ेदार से जो है वो चावल तैयार कर रही थी। जल्दी जल्दी जो है वो चावल बना लेते। चावल बनाने के बाद फिर बाकी अपने जो घर के वैसे तो काम सारे ही ख़त्म हैं, बस फिर बच्चों को खाना खिलाना है और फिर बच्चों को टाइम देंगे। अच्छा जी, कल जो है वो मैं नकाशा को डेंटिस्ट के पास लेके गई थी। तो उसने जो है ना वो नकाशा को किसी और डॉक्टर के पास भेजा कि इसकी जो है ना वो दांतों की जो है वो सारी सफाई होगी और उसके बाद फिलिंग वगैरह होगी। उसकी दाढ़ें जो है ना वो अच्छी खासी जो है वो ख़राब हो चुकी हैं। और साथ में उन्होंने कहा था कि इसको बेहोश करके ये है कि सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि कल नकाशा ने जो है ना वो सफाई करवाई ही नहीं थी। और बस इस वजह से जो है ना वो थोड़ी सी हो गई थी कि इसको अब दोबारा से फिर डॉक्टर के पास। यहाँ पे ये बहुत मसले हैं, इतनी ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स होती हैं बच्चों की, कभी डॉक्टर्स के पास, कभी कहीं कभी कहीं। तो बस ये जो है ना थोड़ा सा मसला जो है वो बन गया था। अच्छा जी, मैं जो है वो चावलों के साथ साथ में ये है कि दही भल्ले बना रही थी। दही भल्ले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और आजकल तो वैसे ही बहुत मज़े के लगते हैं। रोटी सालन वगैरह इतना खाने का दिल नहीं करता, बस यही कोशिश होती है कि चावल बना लिए जाएँ। चावल जो है वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मज़े के भी लगते हैं। तो बस यहाँ पर जो है वो मैं साथ में दही भल्ले बनाऊँगी मज़ेदार किस्म के, और साथ में ये है कि मेरे चावल मज़ेदार जो हैं वो बन जाएंगे, तो मज़े ही दुबाले हो जाएंगे। क्योंकि दोनों जो है ना वो साथ में चावल और साथ में दही भल्ले दोनों ही मेरे फेवरेट। अच्छा जी, सारी चीज़ें वगैरह डालने के बाद सबसे एंड पे जो है ना इसके ऊपर इमली आलू बुखारे की जो चटनी है वो डाली है और मज़ेदार से मेरे दही भले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसको फाइनल लुक दिखाती हूँ, उसके बाद जो है वो चावलों की फाइनल लुक जो है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो पानी भी उबल गया था। अब इसमें जो है वो चावल डालते हैं। चावल डालने के बाद इसमें इसको जो है जब पानी खुश्क हो जाएगा दम पे लगा देंगे और दम लगाने के बाद फिर दम खोल के इसको मज़ेदार से चावल जो है वो मेरे बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। मुझे चावल जो है ना ये वाले बहुत पसंद है, सर्दियों में तो खास तौर पे। आज फिर मैंने सोचा कि चलो आज फिर यही कुछ डाल के मज़ेदार से जो है वो चावल बना लेती हूँ, तैयार कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है वो मैं मज़ेदार से अपने चावल जो है ना वो तैयार कर रही थी। किस किस को चावल पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस यहाँ पर जो है पानी खुशक होगा इसको जो है ना वो मैं दम लगा दूंगी और दम लगाने के बाद फिर इसको 15 से 20 मिनट दम दूंगी और उसके बाद इसको खोलेंगे और चावलों को निकालेंगे और फाइनल लुक आपको शेयर करूंगी। अच्छा जी, 15 से 20 मिनट हो चुके थे। आप जो है वो मैं चावलों का दम खोलने के लिए आई हूँ और इसका बिस्मिल्लाह करके जो है वो खोलते हैं और इसमें से देखते हैं। वाह, चावल जो है वो बहुत मज़ेदार माशाल्लाह से रेडी हुए थे। इसको खोल के देखते हैं चावलों को और इसको प्लेट में डालती हूँ और आप लोगों के साथ फाइनल लुक शेयर करती हूँ और बाद में ये बच्चों को भी खिलाती हूँ, खुद भी खाती हूँ और इन्जॉय करते हैं। तो बस इसमें मैंने मटर, आलू और साथ में गाजरें और साथ में चिकन डाला था। बहुत मज़ेदार जो है वो मेरे चावल यहाँ पे रेडी हुए थे। जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये चावल देख के दोबारा से मेरे मुंह में जो है वो पानी आ चुका है और दोबारा से दिल कर रहा है खाने को। चलें जी, आप बच्चों को भी खिलाते हैं, ख़ुद भी खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। फाइनल लुक तो आपके साथ शेयर कर दी है और यहाँ पे बैठ के बच्चों को भी खिलाऊंगी, ख़ुद भी इन्जॉय करूँगी। अच्छा जी, तो सारे काम शाम ख़त्म करके मैं आ चुकी हूँ बाहर और बाहर जो है वो शाम का खूबसूरत तरीन मंज़र। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।